ये जो आज जम्मू कश्मीर नेशनल ब्लॉक नागाम की मीटिंग है, यहाँ पर हमने यहाँ ही नहीं की बल्कि डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में इस वक्त मीटिंग हो रही है। इससे पहले आपको पता है कि वहाँ हमने ब्लॉक सुरसियार में भी मीटिंग की, चाडोरा बागत किनीपोरा वहाँ से बड़गाम में भी मीटिंग हुई, सोईबुग में भी, इसी तरह बीरवा और खान साहब में मीटिंग हर ब्लॉक में हो रही है। इन मीटिंग का मकसद है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो नेशनल कांस का एजेंडा है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। यह इलेक्शन की तैयारी नहीं है, ये अक्सर हम करते हैं। आप तो शायद यहाँ का ही खुद रहने वाले हैं, इस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये करते आए हैं। हमेशा अपने लोगों के साथ बात, अपने लीडरों के साथ बात, अपनी बातें उनके सामने रखते हैं और वो अपनी बातें हमारे साथ रखते हैं। ये यहाँ का हज़्ब मामूल तरीका है। इलेक्शन की तो बात ही नहीं है, फिर भी अगर इलेक्शन होने हो जाएगा तो हम उसके लिए हमेशा तैयार, हम बार बार कहते हैं, हमारे लीडर्स बार बार कहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हैं और इस वक्त भी करेंगे तो हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। कि डिलिमिटेशन के बाद आपने मीटिंग का सिलसिला गर्म किया, चराय शरीफ कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की, इससे पहले भी हमने उधर सुरेशहर में एक मीटिंग की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक प्रोग्राम है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि लोगों के क्या मसाइल हैं, उन लोगों के वो मसाइल हमारे उठाने हैं, उनके मसाइल हल करने हैं। बाकी रहा कि ये इलेक्शन का मसला, इलेक्शन सेंटर के हाथ में है, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, जब भी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए और हमें लोगों के पास जाना है। हम लोगों को मुतहर कर रहे हैं, लोगों के मसाइल उभार रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक प्रोग्राम है। बाकी आज जो मीटिंग हो रही है ये भी इसी कड़ी एक सिलसिले की एक कड़ी है कि यहाँ चराय शरीफ में हमारे यहाँ दूसरी मीटिंग है बादीपोरा में। यहाँ हमारे सरकर्दा शख्सियत जनाब अब्दुलरहीम राथर साहब जो इलेक्शन लड़ रहे थे और इंशाल्लाह आइंदा भी लड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर, और हमने उन तमाम डेलीगेट हजरात को यहाँ आज जमा किया और उनका अपने पार्टी का मंशूर पहुँचाया, पार्टी का प्रोग्राम पहुँचाया और उनको मुनज़म किया पार्टी के हित में काम करने के लिए। और हमारा काम यही है कि हम घर घर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुतहक करेंगे।